नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। देखिए, ये जो स्टॉक का प्राइस है, हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी को अभी फॉलो कर रहा है। अगर अभी तक आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को देखे नहीं है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार एक स्टॉक लिस्ट होने के बाद आप कैसे एंट्री कर सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल्स में एनालिसिस किए, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं ऋषभ इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट वजह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप इस स्टॉक का सेक्टर देखेंगे, कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है अराउंड 2118 करोड़ का एंड इस कंपनी के पास रिजर्व कैश है 478 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 558 एंड इसका बुक वैल्यू है 136। इंडस्ट्री पी चल रहा है 40.8 का एंड इंडस्ट्री पी के आसपास स्टॉक का पीओ भी चल रहा है। डेप्ट इक्विटी है 0.13, जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी बिलो 1 आप उसको मैनेजेबल कंसीडर कर सकते हैं, एक्सपेक्ट फाइनेंशियल स्टॉक। अभी हम चलते हैं उसका क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। देखिए, यहाँ पे सेल्स और नेट प्रॉफिट अगर दोनों को देखेंगे, दोनों यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो जैसे कि जून 2023 में नेट प्रॉफिट था 8 एंड सितंबर 2023 में नेट प्रॉफिट है 22, लगभग प्रॉफिट डबल हो गया है अगर प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो। एंड यहाँ पे सेल्स भी धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो देखिए, प्रोमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 70.68% एबव 50%, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। FII के पास माल लो है 1.66%, फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन DII यहाँ पे अच्छा खासा माल होल्ड कर रहे हैं 16.55% का एंड पब्लिक टोटल यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 11.1%, जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप वहाँ पे मैनेजेबल कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग बेस को प्राइस ब्रेकआउट किया है, जो कि उसका IPO बेस था, जो कि हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में डिटेल्स में कवर किए हैं। उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने यहां पे चार्ट ओपन हुआ है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट का और यहां पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है डेली का। जैसे कि हम स्ट्रैटेजी में कवर किए थे कि जब भी एक स्टॉक का प्राइस लिस्ट हो जाता है ना, उसके बाद आपको वेट करना है एक बेस बनाने का। क्लियर कट आप देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पे एक बेस बनाकर बेस का जो अपर बाउंड्री था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। रेड लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। प्राइस जब भी देखिए इस रेड लाइन के आसपास जा रहा था, प्राइस को मल्टीपल टाइम यहाँ पे सप्लाई मिला है एंड फोर्थ अटेम्प्ट के बाद फाइनली प्राइस देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया है एंड एवरेज वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है एंड जिस टाइप का अभी सेटअप दिखाई दे रहा है, आने वाले टाइम में यहाँ पे कंटिन्यूएशन मूव आने का प्रोबेबिलिटी है। उसके साथ देखिए प्राइस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न। ए हो गया कॉप एंड ए हो गया हैंडल एंड जब भी प्राइस कॉप एंड हैंडल पैटर्न कंस्ट्रक्ट करता है, जो हैंडल का लोअर बाउंड्री होता है वो होता है स्टॉप लॉस। मैंने ये जो पैटर्न है कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ये पैटर्न तभी फेल होगा जब प्राइस उसका प्रीवियस स्विंग लो को यहाँ पे ब्रेक कर देगा, जो कि लेवल बन रहा है बिलो 490 के आसपास, जिसी लेवल के आसपास हम स्टॉप लॉस को भी प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि जिस टाइप का अभी कॉप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है एंड जो भी यहाँ पे रिस्क बन रहा है ना, जैसे कि 490 के नीचे हम यहाँ पे एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं तो करंट प्राइस चल रहा है 557, इन बिटवीन जो भी रिस्क बन रहा है रिवार्ड उससे डबल लेना है एंड उससे ऊपर भी ले सकते हैं ट्रेल करने के बाद। देखिए यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैटेजी बन रहा है। पहला तो हमारा IPO स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको ये ट्रिगर कर रहा है, उसके साथ यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो आने वाले टाइम में कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है अगर प्रीवियस स्विंग लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं करता, जो कि 490 के आसपास है। टारगेट जो भी यहाँ पे रिस्क बन रहा है उससे डबल एंड उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ट्रेल करना है। क्योंकि जब भी स्टॉक का प्राइस एक बार अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लेता है, उसका अपसाइड हमेशा से अनलिमिटेड है। इसलिए स्टॉक को आपका रडार में रखिएगा, एनालिसिस को ऐड कीजिएगा एंड एज यूजुअल हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।